सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है और एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसुस के जेनफोन 5Z के बैटरी लाइफ के बारे में। ये एक्चुअली फोन में ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 दिनों से यूज कर रहा हूं और मैंने सभी स्क्रीनशॉट्स कैप्चर किए बैटरी लाइफ के लिए। एवरी 25% स्क्रीनशॉट कैप्चर किए, फिर चाहे वो वाईफाई पे हो या फिर मोबाइल डेटा पे हो। और फिर इस आने वाली वीडियो में मैं आपको बैटरी ड्रेन भी दिखाऊंगा कि ओरिजिनल बैटरी ड्रेन कितना होता है और चार्जिंग टाइम कितना लगता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और मेरे ख्याल से इसका 3300 mAh की बैटरी है और स्टैटिस्टिक्स तो काफ़ी कमाल के है। मुझे बैटरी लाइफ तो काफ़ी कमाल की मिली, अच्छी मिली, कुछ प्रॉब्लम नहीं था बैटरी लाइफ के बारे में। तो मैं आपको सभी स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ तो फिर आपको भी आइडिया आ जाएगा कि बैटरी लाइफ कैसी मिलती है, क्या मिलती है। और कुछ बैटरी टिप्स भी आपको मैं बता देता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि आप कर सकते हैं वो अपनी बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अगर आपका कोई भी सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये एसुस का जेनफोन 5Z है, काफ़ी कमाल फ़ोन है, सुपर LCD डिस्प्ले के साथ आता है। और हम लोग सीधा चलते हैं स्क्रीनशॉट्स के सेक्शन में, जो कि मैंने सभी स्क्रीनशॉट्स लिए और 25% ये सभी मेरे स्क्रीनशॉट्स है बैटरी लाइफ दिखाने के लिए। और स्टार्ट करते हैं पहले स्क्रीनशॉट से। और जैसे कि आप देख सकते हो, 100% मैंने बैटरी को फुल चार्ज किया था इवनिंग 5:29 को, जब भी मुझे ये फ़ोन मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और 78% तक रात को 11:58 तक जो मुझे बैटरी लाइफ मिली वो ऑलमोस्ट स्क्रीन ऑन टाइम 2 hours and 20 minutes का था, जैसे कि आप देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में मैं स्टैंडबाय ओवरनाइट बैटरी ड्रेन चेक कर रहा था, मतलब रात को 58 बजे तक मैं सोने के लिए चला गया 78% तक, और जब भी मैं सुबह 9:07 को उठा तो 76% बैटरी लाइफ थी। तो ऑलमोस्ट 2% बैटरी ड्रेन ओवरनाइट हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड है और काफ़ी अच्छा बैटरी ड्रेन है अगर हम लोग स्नैपड्रैगन 845 की बात करते हैं। तो ये थी जुलाई 13 की स्टैटिस्टिक्स। बाद में 75% तक मैंने वापस एक स्क्रीनशॉट लिया, जो कि मुझे स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हैं 75%, और जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 2 hours and 23 minutes का था, जैसे कि आप देख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन पूरा वाईफाई पे था और सभी मैंने नॉर्मल कैजुअल यूजर्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में किए थे। अब इसके बाद मैंने 4G मोबाइल डेटा स्विच ऑन कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि 4G पे भी एक बार टेस्ट कर सकूँ कितना बैटरी ड्रेन होता है। और 50% तक मैं 4G पे यूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हो, और जो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 4 hours and 15 minutes का था 50% के बैटरी ड्रेन के ऊपर, जो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है। मतलब 21 hours मुझे टोटल बैटरी लाइफ मिली, उसमें से 4 hours 15 minutes टोटल स्क्रीन ऑन टाइम था। और ये मेरे कॉल डिटेल्स है, 24 minutes के वॉइस कॉल्स मैंने इस पर्टिकुलर किए थे। कैमरा काफ़ी यूज़ किया था, 10-15 मिनट कैमरा यूज़ किया था और बाकी सब सोशल मीडिया के एप्लीकेशन यूज़ किए हुए थे। और ये बैटरी का ग्राफ है, वॉइस कॉल्स 24 मिनट्स के थे। बाद में 29% तक मैंने और बैटरी ड्रेन डाउन कर दिया और रात को 12:04 को मैंने इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लिया वापस एक बार स्टैंड बाय ओवरनाइट ड्रेन चेक करने के लिए कि कितना होता है। और अब अगर सुबह में जब ये 6:13 को उठा तो 28% पे था, तो 29 से 28 सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन ओवरनाइट हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी ड्रेन है। अभी आगे जाते हैं और देखते हैं, 24% तक मैंने स्क्रीनशॉट लिया बैटरी ड्रेन होने के बाद, और ऑलमोस्ट 6 hours का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला और 1.5 दिन के ऊपर मुझे बैटरी लाइफ मिली। मैं एक्चुअली मॉडरेट यूज़ कर रहा था, काफ़ी हेवी यूज़ नहीं कर रहा था। एक टिपिकल सोशल मीडिया जैसे हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप देखते हैं, वो पर्टिकुलर टिपिकल मीडिया यूट्यूब और नॉर्मल वॉइस कॉल्स, तो मॉडरेट यूज़ के ऊपर मुझे 6 hours का स्क्रीन ऑन टाइम और 1 day and 13 hours का टोटल बैटरी लाइफ मिला। और इसमें आप वॉइस कॉल्स देख सकते हैं, 52 minutes के वॉइस कॉल्स है, 16 minutes कैमरा यूज़ किया है और बाकी सारे एप्लीकेशन यूज़ कर दिए हैं। आगे बैटरी को पूरा ड्रेन डाउन किया 8% तक, जो कि ये फाइनल स्क्रीनशॉट था इस पर्टिकुलर बैटरी साइकिल का। और आप देख सकते हो जो टोटल बैटरी लाइफ मुझे मिली वो 1 day and 16 hours की है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है। और जो टोटल स्क्रीन ऑन टाइम है वो 7 hours का स्क्रीन ऑन टाइम है, तो 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे फर्स्ट बैटरी साइकिल में ही मिला, जो कि काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है। और ये सभी आप देख सकते हो, वॉइस कॉल्स 1 घंटे के ऊपर है, 1 hour and 16 minutes, और बाकी सारे एप्लीकेशंस हैं। स्क्रीन ऑन टाइम 7 hours and 3 minutes का है और वॉइस कॉल्स 1 hours and 16 minutes के है। वापिस एक बार मैंने 100% से 75% तक ड्रेन डाउन किया बैटरी सेकंड बैटरी साइकिल के लिए, और ये भी पूरा 4G पे था, जैसे कि आप देख सकते हो।
और जो मुझे टोटल स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 2 घंटे का लगभग था, तो काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है। मतलब 25% के बैटरी रन के लिए 2 घंटे का अगर आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम वाईफाई पे मिल सकता है। अगर आप मोबाइल डेटा पे भी हो फिर भी आपको 6.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से इसमें मिल जाएगा। एटलीस्ट 6 आवर्स का तो आपको मिल जाएगा अगर आप हैवी यूज़र भी होंगे तो भी। बाद में रात को वापस एक बार 12 बजे 54% पे स्क्रीनशॉट लिया मैं स्टैंड बाय बैटरी रेंज चेक करने के लिए, और सुबह 5:47 को जैसे कि आप देख सकते हो 51% तक बैटरी आ गई थी, तो लगभग 3% बैटरी रन हो गया जो कि ठीक है, एक्सपेक्टेड है। स्नैपड्रैगन में ऑलमोस्ट 2 to 3% बैटरी रन ओवरनाइट हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने वापस 49% पे एक स्क्रीनशॉट लिया और आप देख सकते हो जो मुझे टोटल स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 4 आवर्स का था और 18 आवर्स की बैटरी लाइफ थी। और इसमें एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहा था, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया था, इसलिए मेरा व्हाट्सएप का यूजेज इधर ज़्यादा दिखा रहा है। बाद में 25% तक बैटरी को और ड्रेन डाउन किया और जो टोटल बैटरी लाइफ मुझे मिली वो 1 दिन और 7 आवर्स की है जो कि काफ़ी अच्छी है, और 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम है, और फिर भी अभी भी 25% बैटरी बाकी है। और 11% तक बैटरी को और ड्रेन डाउन किया और 1 day and 9 hours की बैटरी लाइफ मिली और 7 आवर्स का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है अगर 3300 mAh की बैटरी की बात करते हैं तो। और ये तो LCD पैनल है, वन प्लस का तो LED पैनल है, और वॉइस कॉल्स देख सकते हैं 1 hour and 21 minutes और व्हाट्सएप 1 hour and 25 minutes, बाकी सारे नॉर्मल यूजेस सोशल मीडिया के कर दिए गए थे। तो ये लास्ट स्क्रीनशॉट था, तो लगभग 2 बैटरी साइकिल में मुझे ऑलमोस्ट 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला जिसमें से मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा में मोबाइल डेटा यूज़ किया और रेस्ट ऑफ द टाइम मैं वाईफाई यूज़ कर रहा था। मैं पूरा टाइम मोबाइल डेटा यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग मोबाइल डेटा भी अच्छी तरीके से नहीं होता है, HD वीडियो हमको देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैंने पूरा मोबाइल डेटा पे टेस्टिंग इसका नहीं किया। अभी आपको मैं आज का लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स दिखा देता हूँ, ये आज का लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स है और अभी 66% तक बैटरी आ गया है, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसमें कितना है। आप देख सकते हो 3 hours and 24 minutes का टोटल स्क्रीन ऑन टाइम है और अभी भी 66% बैटरी बाकी है, और 13 आवर्स का मुझे टोटल बैटरी लाइफ मिला, और उसमें से वॉइस कॉल्स तो ज़्यादा नहीं थे क्योंकि इसमें मैंने वॉइस कॉल्स किए नहीं है, हार्डली 6 मिनट्स के वॉइस कॉल्स है, और बाकी बस मैं स्ट्रीमिंग काफ़ी किया था फेसबुक और अमेजोन पे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मुझे ओवरऑल मिल रही है इस पर्टिकुलर फ़ोन में। अगर वन प्लस के कंपैरिजन में मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी लाइफ मिल रही है इस पर्टिकुलर फ़ोन में। अभी अगर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग टाइम की, तो चार्जिंग टाइम में मुझे ऑलमोस्ट अगर इसमें एक्चुअली दो कलर के दो टाइप के एक फंडे आते हैं, एक तो AI चार्जिंग आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एडवांस में जाते हैं AI फीचर, ये AI चार्जिंग करके आता है। अगर AI चार्जिंग आपका डिसेबल रहेगा तो आपका 10% से 100% चार्ज करने के लिए 1 hour and 40 minutes आपको लगेगा, और अगर आपने AI चार्जिंग को एनेबल कर दिया तो आपका 10% से 100% चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट 1 hour and 25 minutes आपको लग जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वन प्लस के डैश चार्जर के बराबर ही ये पर्टिकुलर चार्जर काम करता है। पता नहीं मुझे बाकी यूट्यूबर्स ऐसे क्यों कहते हैं कि ये डैश चार्जर से काम क्यों नहीं करता, लेकिन अगर एक बार AI चार्जिंग को एनेबल कर दिया तो पहले तो फर्स्ट 30 मिनट्स में ही वो 60% बैटरी चार्ज कर देता है। तो AI चार्जिंग का एक बेनिफिट है कि ये फटाफट बैटरी चार्ज करता है और फिर 90% के बाद स्लो डाउन हो जाता है। और इसके बाद मैं कुछ आपको बैटरी टिप्स भी बता देता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, एक बेसिक बैटरी टिप्स है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा उसके फ़ोन मैनेजर में। सबसे तो पहले जाते हैं बैटरी सेक्शन में, इसमें आपको क्या करना है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में जाना है और आपके जो सभी एप्लीकेशंस रहेंगे उसको आपको ऑप्टिमाइज़ कर देना है। तो नॉट ऑप्टिमाइज में आपके सिर्फ सिर्फ इनबिल्ट जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन रहेंगे वही रहेंगे, और ऑप्टिमाइज में आपके बाकी सारे एप्लीकेशंस रहेंगे, मतलब ये सभी एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज हैं आपके बैटरी सेविंग के लिए। इसके बाद आपको डिटेक्ट बैटरी रनिंग एप्स को भी एनेबल कर देना है। बाद में पावर मास्टर में जाना है, और पावर मास्टर में जाने के बाद ऑटो स्टार्ट मैनेजर में जाना है, और ऑटो स्टार्ट मैनेजर में आपको आपके सोशल मीडिया छोड़ के बाकी सभी इसको डिसेबल करना है, मतलब ये सभी एप्लीकेशंस आपके बैकग्राउंड में स्टार्ट नहीं हो जाएंगे जब तक आप उसको मैन्युअली स्टार्ट नहीं करते एक्सेप्ट व्हाट्सएप। तो इस पर्टिकुलर सेटिंग की वजह से काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है,
तो दोस्तों, अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बैटरी लाइफ कैसे इंक्रीज करें तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बैटरी सेविंग टिप्स के ऊपर, लेकिन ये बेसिक टिप्स है और इससे मुझे काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिल गई थी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी बैटरी लाइफ मिली रहेगी आपके एसुस के ZenFone 5G में। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बैटरी टिप्स के ऊपर तो मुझे बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी उसके ऊपर बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सुझाव रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।